Now we are starting the last two questions, question number 14 and 15, exercise 13.5, class 12. In a box containing 100 bulbs, 10 are defective. 100 bulbs, 10 bulb defective hai. Probability that out of a sample of 5 bulbs, none is defective. Defective ke baare mein usne baat kari hai. Yani jo humare paas success yaha par rahegi, wo rahegi defective bulb ki, aur defective bulb 10 hai out of 100, that is 1 upon 10. तो Q आपके पास क्या होगा 1 minus 1 upon 10 that is 9 upon 10. अब इसने क्या कहा है sample of 5 bulb, 5 bulb random जो random repeating है हमारे पास तो ये Bernoulli trial पे आ रहा है तो 5 bulb हमें इसको निकालने हैं तो मैं यहाँ पे brother required तो चलो मैं लिख देता हूँ probability 5 bulbs none is defective, none is defective. एक भी इसमें से डिफेक्टिव नहीं है उसकी प्रोबेबिलिटी आपके पास क्या रहेगी यानी कि आपके पास डिफेक्टिव जीरो आने फाइव आपने बाद निकाले डिफेक्टिव आपके जीरो यानी जो डिफेक्टिव थे सक्सेस थी वो जीरो है और वन अपॉन टेन की पावर जीरो और नाइन अपॉन टेन की पावर आपके पास कितनी आ जाएगी फाइव में से जीरो गए फाइव तो ये ऑप्शन आपके पास आ रहा है फाइव में से जीरो अगर हम करते हैं तो ये कितना ऑप्शन आता है वन और ये कितना रहता है वन और ये नाइन अपॉन टेन की पावर यहाँ पर फाइव है तो इक्वल टू 9 अपॉन 10 की पावर 5 दैट इज द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी अगर हम नंबर 15 की तरफ चलें तो हमारे पास ऑप्शन है द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्टूडेंट इज नॉट अ स्विमर इज 1/5 देन द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 5 स्टूडेंट 4 आर स्विमर चार स्विमर है हमें ये बताना है यानी हमारे पास जो सक्सेस है स्विमर के लिए ढूंढनी हमें तो देखिए क्यू क्या है क्यू आपके पास है 1/5 तो पी आपके पास क्या होगा पी होगा 1 - 1/5 यानी कि 4/5 ये कौन है स्विमर है और ये कौन है स्विमर नहीं है बात समझ रहे हैं ये सक्सेस है ये फेलियर है तो आपके पास क्या निकालना है प्रोबेबिलिटी निकालना है आपने 4 आर स्विमर ये आपने बताना है और सर जी ने कितने स्टूडेंट को चुना है 5 को चुना है तो 5 में से 4 स्विमर यानी सक्सेस आपके पास ये आनी चाहिए कितनी आनी चाहिए 4 और 1/5 की पावर यहां तक समझ में आ रहा है 5 और 4 को ब्रदर आप जब सोल्व करेंगे तो आपके पास कितना ऑप्शन आ जाएगा चलिए सोल्व करके देख लेते हैं यहां पर हमारे पास है 5 और फैक्टोरियल 4 है अपॉन में फैक्टोरियल 4 है और फिर 1 है यानी कि आपके पास कितना रह गया सिर्फ 5 और यहां पर कितना ऑप्शन आ रखा है 4/5 की पावर 4 हमारे पास रह रही है यहां पर और 1/5 हमारे पास और ऑप्शन है तो आप इसमें से इसे कट कर सकते हैं तो आपके पास कितना ऑप्शन बचा 4/5 की पावर 4 ये आपके पास रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है आई होप आइए इजी सम आप इजीली समझ गए होंगे अगर अब भी कोई प्रॉब्लम है आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरे इस नंबर पे देखने के लिए थैंक यू वेरी मच